अस्सलाम वालेकुम भाई टोहली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप ठाक होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला की झोलियों में होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, 6:30 का टाइम होने वाला है और आज सूरज तो निकला हुआ है फिलहाल, लेकिन जिस तरह निकलता है उत्साह नहीं है क्योंकि बादल बने हुए ऊपर, काफ़ी ज़्यादा बादल बने हुए हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है, बारिश आने के इम्कान बन रहे हैं और वैसे नेट पर भी बता रहे हैं कि आज बारिश के इम्कान बन रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आज मशीन लगने लगी है हमारी चावलों की फसल को, क्योंकि आज इसकी हार्वेस्टर वगैरह सारी हो जाएगी और दुआ कीजिएगा कि बारिश वगैरह के इम्कान ना हो, तो एक दिन या कल तक ये शायद मतलब ख़त्म हो जाएगा, बाकी तरह करम करेगा इंशाल्लाह। मुर्गियों को अभी मैंने बाहर निकाला हुआ है, आज थोड़ा जल्दी निकाल दिया है, निकाला जल्दी इसलिए कि मौसम ख़राब हो रहा था, मैंने कहा बारिश आ गई तो फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाएगा सर्दी में, उससे पहले जो भी थोड़ा बहुत खाना पीना है उन्होंने खा पी लें। ये मुर्गी हमारी रिकवर बिल्कुल नहीं हो रही, कल से परसों से बदलो गए, इनको मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे रहे हैं लेकिन रिकवर होने का नाम अभी तक नहीं ले रही, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह, दुआ कीजिएगा कि सेट हो जाए सब कुछ। अभी सर्दी आई नहीं है तारा बरकत और वैसा अभी तक ना बिस्तर में बड़े हुए हैं, जब सर्दी आ गई तो आप लोगों का क्या बनेगा बताओ? सर्दी बड़ी है, बड़ी शान क्या बनेगा आप लोगों का मरासियो? थोड़ा सर्दी तो फिर की बढ़ेगा, ऐ तो सीधा विरासत में ही काट देता है वो, तो फिर भी कोई लाल इतने जल्दी उठ जाते तो सीधा नहीं काट देता है। सुबह उठे हाँ नहीं उठे तबीयत नहीं सही थे, मैं करने लगा, मैं सारा सरप्राइज भी करने लगा, इस बंदे को मैंने कल जब ये ट्यूशन पर गया था ना तो मैंने इसको बोला था कि चावल लेकर आइएगा आज, मतलब सुबह जो है ना नाश्ते में पकाएंगे, दाल बनाई थी कल तो ऊपर डालकर पकाएंगे, मजे वाली बनेगी, लेकिन इन्होंने जनाब नहीं मानी मेरी कोई भी, तो अब कह रहा है जी मैं लेने जा रहा ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, मैंने कहा कोई मसला नहीं आप टेंशन ना लें, आप सफाई कर लें और उसके बाद चलो मैं ही ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ पर नहीं वाला है क्योंकि मुर्गियाँ यहाँ पर खड़ी थी, अचानक डर कर वो मुर्गियाँ इधर आ गई। बकरी काम देख, और पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे हट जा, ਅਸੀ ਸਰਦੀ ਚ ਬਾਹਰ ਮਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਨੀ ਸਿੱਕਣ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਅੜ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ, ਅੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ, ਅੜ ਜਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ। ਅਵਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੇਰੂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਗੇ ਆਗੇ ਉਨਕੇ ਨਾ ਚਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। मुझे लगता है कल जो है ना इसकी सफाई हमने नहीं की, इसलिए काफी ज्यादा जो है ना वो कूड़ा करकट जमा हो गया इधर, एवे ना कल ना की थी, रोज की थी। अच्छा मैं शायद फिर इन्ना हो जाता फिर भी। एक कमेंट आया हुआ था, हमारी सिस्टर थी शायद, वो कह रही थी कि अगर ये जगह आपकी नहीं है किसी और की है तो फिर आप यहाँ पर क्यों रह रहे हैं, आप अपना घर बनाएं, अपनी कोई प्लाट ले लें, वहाँ पर चार दीवारी करें, यहाँ तो फिर मतलब गलत है ना ये। तो दरअसल बात ये है कि ये है तो किसी की, लेकिन ऐसे समझे कि अगर हम यहाँ पर कुछ बनाकर बैठ जाते हैं ना तो ता हयात हमें यहाँ से उठा कोई भी नहीं सकता, तो दरअसल बात ये भी है। और दूसरी बात ये है कि अगर हम यहाँ पर खर्चा जो भी करते हैं तो जब हम यहाँ से उठेंगे ना तो उनका हिसाब किताब हमें मिल जाएगा, वो भी कोई बात नहीं है, ये कुछ मतलब बातें, इसलिए हम यहाँ पर खर्चा भी कर रहे हैं और रह भी रहे हैं, बाकी अलग अलग कर्म करेगा इंशाल्लाह, बाकी देखा जाएगा। हमारा प्लाट है अपना एक, लेकिन उसमें अभी थोड़ी सी सीधी बात है, गुंजाइश नहीं बन रही कि उनमें मतलब घर खड़ा कर लिया जाए, तो यहाँ पर मतलब कि आर्थिक तौर पर छोटा मोटा तो बंदा कर ही लेता, लेकिन वो गाँव में, फिर गाँव में एक बंदा बनाए तो अभी इतने दिनों के बाद वो अच्छा ला बनाए, वरना फिर फजूल सा बनाने का फायदा कोई नहीं है, तो इसलिए हम फिर यहाँ पर बना रहे हैं। मुझे छोटी सी जिस तरह से कह रहे सोसाइटी या छोटे प्लाट है कटिंग हुए थोड़े से, तो वहाँ पे अभी ना लाइट है, ना पानी की निकासी है, ना गैस है, वहाँ पर कोई सहूलत नहीं है,
इसकी वजह से। और वहाँ के जो है ना ये जो भर्ती होती है वो कम से कम इतनी 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 डलेगी, तो उसके बाद वहाँ पर हम अपना घर जो है ना बना सकते हैं। सारा पहले बता रहे कि ये भाई इतनी इतनी डलेगी, लेकिन हमारा काद छोटा है, फिर हमने कहा कि नहीं इतनी इतनी बहुत ही वो गहराई में है, इसीलिए हम कम से कम 4-5 लाख की वहाँ पर मिट्टी जो है ना वो डालनी। चलो कोई नहीं, कर्म करेगा, जिंदगी तो यहाँ पर बसर हो ही जाएगी, कोई मसला नहीं। जब वैस साहब की शादी होगी ना तो इनको घर बना कर देंगे वहाँ पर, क्यों वैस साहब? हाँ जी, जब आपकी शादी होगी तो फिर आपको वहाँ पर घर बना कर देंगे। बैरीटाउन में, चलो जी, वैस साहब ने बैरीटाउन में घर लेना और इसके नाम हमने बैरीटाउन ही लगा देना। ये ज्वार के गन्ने कल मेरी सिस्टर इन लॉ हमारी साली साहब आई थी, वो जनाब यहाँ पर गंद मचा कर फिर चली गई, तो इसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। चाबी पकड़ो जी, अभी सूरज काफी निकल रहा है तो कबूतरों को भी बाहर निकाल देते हैं ताकि वो भी दाना पानी जो है ना वो अपना खा पी ले, पेट पूजा कर ले। वैसे साहब ने ताला तेज लाया ना, जो खजाना ना पे खजाना ही ना पे इस बीच। चलो आ आ आ आ, ये बुला लेते ना, आ जाते हैं अंदर दाना चाल है मकई दा ते जवार मिक्स करके लिया। आज 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 शेरो आज अंदर ही लगे होने। तेरी खैर, ओ तेरी खैर, ओ तुहाडी खैर। लिया 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 लिया, ये जनाब फेंके एक साइड भी सकती है सारा, फिर हमें गाली मार देने एक साइड ही है और की। कोई नहीं, उन्हें थोड़ा इन्ना कुछ तो होना ही है तेरी, हूँ तेरे लगे कि सारा कुछ सेट हो जाती तो गल तो गल। चलो जी, मक्की और जवार जो ना मिक्स कर दिया, इसको जनाब मुझे साइड पर करना पड़ेगा क्योंकि अन्नी दिया नहीं रख दिया कभी भी। चल 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 चल, चल। दाना फेंका था कबूतरों के लिए, आ गई हैं मुर्गियाँ, मुर्गियाँ भी आ गई, साथ में शीला भी खा रही है। अवैस साहब एक कैसे जानवर तो रखे हैं, मैंने कुछ तो समझ कोई नहीं आती है, वो जो भी चीज़ होती है वो खा जाते हैं। एक खास जानवर वो रख रहे थे कबूतर बेचारे दिया है जी, हाँ जी कबूतर बेचारे वो फिर अंदर चले गए। मैं यार चल जैसी काम मैनू की पता कर देना, मैं कल भी कर कल भी नहीं दिता। चलो कोई नहीं कोई नहीं, खा लेने शीला वे खा रही। आप लोग कह रहे थे कि ये गोश्त खाएंगे ये करेंगे, अब ये देखें शीला उनके नजदीक है, हम यहाँ पर मौजूद ना भी हो ना शीला फिर भी इनको हाथ नहीं लगाएगी। शेरुद कोल बैठा रहता कल सारा दिन इतने बैठा नहीं, वो हूँ कुछ नहीं, उन्होंने मना किया ना पहला दिन किए पैसे, लेकिन उसके बाद मना करे तो फिर नहीं दोबारा नेड़े है। चावल हमारे जनाब आ गए हैं, वैसे सब गए थे चावल लेने के लिए, पीर मस साहब साथ में है। तू किस दिन खा जाना तेन, फिर तू आखना कि कुत्ते थोड़े आ मैनू वढ के। चेक कर फिर अंडे ला तेन कबूतरी ने, वेख हम थले की है वास कर, हाथ ना लावी अंडे तो, वैसे तू चेक कर ला वेख के अभी हम अचार लेकर आए। अचार जो है ना वो हम पहले हम सोच रहे थे कि इस बास्केट के अंदर ना डाल देते हैं, लेकिन अब डालेंगे नहीं, हम शापर के साथ ही इसके अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि ये था इसमें थोड़ी सी ना स्प्रे वगैरह लेकर आए थे, लेकिन वाश वगैरह हो गया था अच्छी तरीके से, खतरे वाली बात तो नहीं कि इस्तेमाल होती रहती हैं ये चीज़ें, तो क्या आप दे देते फिर। चलो जी सही है, चम्मच रख के हाँ कोई नहीं मसला, ईजी है कोई मसला नहीं, क्यों पी रहा वेखिए बकरियां फिर साड़ी बकरियां गल्ला कर दी साढ़े नाल।
की गल्लां दोईयां लाईयां ने, वो गल्लां कर दियां ने अगू भाई मिट्टी चूरी खांदा है, खांदा है, खांदा है, अगर बोलते रहे मिट्टी चूरी खाने अभी जो मशीन है ना वो बिल्कुल रास्ते में आ गई है, तो चार पाई खाली करनी, इसलिए मैंने तेरा को बोला कि आप यह बिस्तर वगैरह उठा लें अभी यहाँ से। फिर मुड़े वड्डी मशीन आनी छोटी आई वड्डी है ऐसे बड़ा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह मशीन लग चुकी है और पहले एकड़ का जो हिसाब किताब है ना वो जनाब आ गया। हाँ फिर यार सही है, हैं सही है, ये सावी गाड़ी मिली मैं तो गांध भी बांधी पी सारी। चलो चावल जैसे जैसे काटे जा रहे हैं जनाब, बगले जो है ना वो देखें आप कितने हो गए, बगले बगले वाइट 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 वाइट। रोजी अब बगले ही फाड़ लिए हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल बगले जो है ना वो कीड़ा मकोड़ा जो भी उठता है ना उसको खा जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी चावल जो है ना माशाल्लाह अच्छे निकल रहे हैं, अच्छी औसत निकल रही है, कच्चा ही बहुत हुआ है लेकिन माशाल्लाह ठीक ठाक अच्छा खासा हिसाब किताब लग रहा है माशाल्लाह। बस आप दुआ कीजिएगा बाकी अकरम करेगा इंशाल्लाह। रोजी साहब हमारे साथ विजिट करते हुए मुआयना कर रहे हैं कि जनाब कहाँ कहाँ मसले हैं, कहाँ कहाँ मसाइल हैं, कहाँ से सही निकल रही है, कौन सा एकड़ जो है वो सही निकल रहा है, कौन सा एकड़ जो है वो गलत निकल रहा है। सुबह तकरीबन 10 बजे मशीन लगी थी और अभी 3 बज गए और 3 बज गए और तकरीबन जो है ना 14-15 एकड़ वो जनाब क्लियर हो गए। ठीक है अब जनाब हमारे एकड़ की बारी है, सब पर एंड पर हमारे एकड़ की बारी आई है, तो अभी फिलहाल उस तरफ चलते हैं और वो आपको दिखाते हैं क्योंकि पहले जो है ना वो भाई की मंजी चावल जो होते रहे ना वो होते रहे और अब हमारी बारी है 3 एकड़ की, बाकी अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह। हमारे एकड़ माशाल्लाह अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ज़बरदस्त वाले माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने सबका रिज़क लिखा हुआ है, हमारा रिज़क लिखा है तो देखें इनका भी साथ में हो रहा है, हमारा रिज़क बन रहा है ना तो वो जनाब अपना भी रिज़्क बना रहे हैं। देखें लाइन में लगी हुई लालियाँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वो बैठ गई जाकर माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हमारे खेतों में अभी मशीन जो है ना वो दाखिल हो चुकी है, ये वो वाला एकड़, ये वाला एकड़ और वो पीछे वाला एकड़, ये तीनों जनाब हमारे हैं और माशाल्लाह अभी इस वक्त इस एकड़ों में जनाब हमारी मशीन है। अभी जनाब हमारी जो मुंजी है ना जनाब वो अलहदा इसमें डाली जाएगी। ए भाई ते आ देखा इधर भी चल बस वो जनाब अलहदा होगी हमारी, यहाँ पर जनाब हमारी अलहदा होगी। वाह जाफर साहब वाह जाफर जिंदाबाद, काफी दिन बाद जाफर नजर आया तो मैनू पता नहीं कितने गायब है, चंगा ही है गया फिर भी। चलो जी वाड़ देना अल्लाह करम कर सी। तो यहाँ पर जनाब हमारा जो हिसाब किताब है ना वो आएगा इंशाल्लाह वहां से लेकर यहाँ तक सारा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। रात भी होगी शाम भी होगी, हमारा जो जनाब है वो हिसाब किताब भी आ गया, छोड़ दे आन
आन दे भाई आन दे आन दे आन दे माशाल्लाह 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 स्टार्टिंग हो गया माशाल्लाह जी माशाल्लाह एक चक्कर आ गया बाकी दो चक्कर तकरीबन और आ जाएंगे उसके बाद ना फिनिश। तो इस व्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी तो फिर मिलेंगे और अच्छी सी प्यारी सी वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़ अल्लाह नेक बार अपना ख्याल रखें हम दोस्तों ख्याल रखें और हमें दुआ में जरूर ख्याल रखिएगा क्योंकि रात होगी रात को व्लॉग बनाने का मज़ा नहीं आता तो इसलिए फिर व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।